नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जो होगी आपकी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में। ये पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर हम जो देखेंगे आपके नियर पास्ट, आप 7 दिन पहले की पास्ट ले सकते हो, 10 दिन पहले की पास्ट ले सकते हो। प्रेजेंट तो प्रेजेंट ही है जब आप ये रीडिंग देखोगे, एंड फ्यूचर इस रीडिंग को देखने के बाद 7 दिन बाद की फ्यूचर, 10 दिन बाद की फ्यूचर आप ले सकते हो। और आप लोगों से हमेशा की तरह मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ रीडिंग को देखते रहिए क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट कर भी सकते हैं नहीं भी सकते हैं, जितना रेजोनेट करते हैं उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए, आपके रिश्तेदार, आपके भाई बंधु, किसी से भी रेजोनेट कर जाए बाकी रीडिंग। और अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। और आप लोगों से हमेशा की तरह मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ अपना प्यार अपनापन हमें दिखाते जाइए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। आपके प्यार, लाइक और शेयर से, आपके अपनापन से हमारा काम जो है बहुत आसान हो जाता है। आपके प्यार मिलते रहे तो काम करने में और भी आसानी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वृश्चिक राशि, देखते हैं जो ये रीडिंग देख रहा है यूनिवर्स, प्लीज़ हेल्प कीजिए। वृश्चिक राशि के जो लोग ये रीडिंग देख रहा है उनका पास्ट में आया है 8 of Wands का कार्ड। मुझे लगता है पास्ट में आपके साथ किसी की बहुत सारा कम्युनिकेशन हुआ था, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन जिसे कहते हैं, ये रिश्ते में हो सकता है, बिजनेस के सिलसिले में हो सकता है, प्यार के सिलसिले में हो सकता है। ये जो कम्युनिकेशन आपको हुआ था आपके साथ, मुझे लगता है ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन हुआ था, आपने फिजिकली जाके किसी से नहीं मिला होगा, लेकिन आप जैसा कम्युनिकेशन चाहते थे टेक्स्ट कॉल मैसेज के माध्यम से आपके साथ बहुत सारा बात हुआ था किसी के साथ। ये प्यार में भी हो सकता है, बिजनेस में भी हो सकता है, जॉब में हो सकता है। तो पास्ट में आपने बहुत सारा कम्युनिकेशन किया था, बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है, या फिर किसी के साथ आप रिश्ते में हो उनके साथ हो सकता है। किसी भी तरह की क्षेत्र में आपको बहुत सारा कम्युनिकेशन मिला होगा, और जो कम्युनिकेशन के लिए आप इंतज़ार कर रहे थे उस तरह की कोई कम्युनिकेशन आपको मिला होगा, और आप खुश भी थे पास्ट में क्योंकि आप जो चाहते थे जैसा चाहते थे वैसा ही कम्युनिकेशन आपके साथ किसी का हुआ था। ये बिजनेस लाइफ में भी हो सकता है, लव लाइफ में भी हो सकता है, जॉब में भी हो सकता है, पढ़ाई में भी हो सकता है। आप जो चाहते थे, अगर कुछ जानना चाहते थे, बात करना चाहते थे, किसी बात की क्लैरिटी चाहते थे तो पास्ट में आपको वो मिला होगा। देखते हैं प्रेजेंट में आपकी कैसी एनर्जी है, प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। प्रेजेंट में वृश्चिक राशि के लोग जो ये रीडिंग देख रहा है या देख रही है उनकी एनर्जी कैसी है प्रेजेंट में, देखते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। प्रेजेंट में द एम्परर्स की एनर्जी है आपकी। प्रेजेंट में तो आप बहुत ही खुश हो, मस्त हो, स्वस्थ हो, अपने अंदर हो, अपने आप में बिजी हो, अपने आप को सजाने में, सवरने में, सुंदर दिखने में, अपनी स्टेबिलिटी पर, अपनी फर्टिलिटी पर आप ध्यान दे रहे हो, आप अपने आप में मस्त हो। आपको देख के लोगों को ईर्ष्या हो रही है, मुझे लगता है आप कीमती जेवर पहनते हो, खाना खाते हो, अच्छे अच्छे घूमते हो गाड़ियों में। तो प्रेजेंट में आपकी परिस्थिति और आपका माइंड हेल्थ दोनों ही अच्छा है, आप स्टेबल माइंड में हो, खुशी हो, खुश दिखते हो, खुश रहते हो, सजते हो, सबरते हो, घूमते हो, फिरते हो, पैसों की कोई कमी नहीं है, कीमती चीज़ों की कोई कमी नहीं है। आपको देख के दूसरे सेक्स की, दूसरे जेंडर की जो लोग हो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। हो सकता है अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हो, आप लेडीज़ हो या जेंट्स हो, इसका कोई मतलब नहीं, आपको देख के वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है। अगर आप शादीशुदा हो तो भी, अगर आपके नई नई शादी हुए हैं तो कोई बात नहीं, तभी तो आप सज धज के ही रहोगे। तो प्रेजेंट में जो आपकी एनर्जी है वो एक प्रिंसेस की एनर्जी है, जैसे एक प्रिंसेस रहते हैं, सजते हैं, सवरते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, कभी कभी आप अपने ऊपर
परफ्यूम छिड़क रहे हो, कभी लिपस्टिक पहनते हो, कभी सज धज के देख रहे हो कि मुझे कैसा लग रहा है, मुझे कोई देख रहा है तो उसको भी अच्छा लगे। मतलब आप खुद पर ध्यान दे रहे हो, खुद को इतना सुंदर, इतना स्टेबल, इतना अट्रैक्टिव बना रहे हो कि आप खुद में ही बहुत खुश हो और आप खुद के स्टेबिलिटी पर भी काम कर रहे हो। आप मुझे लगता है अच्छा जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, उसमें भी आपको फ़ायदा हो रहा है। जॉब कर रहे हो तो अच्छा जॉब में अभी आप हो, जॉब में भी आपको कोई परेशानी नहीं है। ओवरऑल प्रेजेंट में आपकी जो एनर्जी है एक स्टेबल एनर्जी है, हैप्पी एनर्जी है, जैसा हर कोई चाहता है कि हैप्पी रहना, स्टेबल रहना, मेरे पास सब कुछ हो, मैं किसी, मुझे देख के हर किसी को ईर्ष्या हो। जैसे हम जब सस्ते सवरते हैं तो हम खुद के लिए तो सस्ते हैं कि मैं, मुझे देख के किसी को अच्छा लगे। तो अभी आपका जो एनर्जी है, आपके पास जॉब है, बिजनेस है, पैसा है, हर किसी के पास जॉब बिजनेस नहीं, मतलब किसी के पास जॉब है, किसी के पास बिजनेस है, तो पैसों की कोई कमी नहीं है। सुंदरता आप खुद में ला रहे हो, आपकी मन अच्छा है, आपकी पोशाक अच्छी है, पैसा है, सब कुछ है। प्रेजेंट में आप एक किंग या क्वीन की एनर्जी में हो। फिर देखते हैं फ्यूचर में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, क्या फ्यूचर में भी आप ऐसे रहोगे। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए। वृश्चिक राशि के जो लोग ये रीडिंग देख रहा है, फ्यूचर में उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। वृश्चिक राशि के जो लोग ये रीडिंग देख रहा है, फ्यूचर में उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। वृश्चिक राशि के जो लोग ये रीडिंग देख, फ्यूचर में द डेविल की एनर्जी। मुझे लगता है फ्यूचर में आप, हो सकता है आपको कोई कंट्रोल करेगा, या फिर आप किसी को कंट्रोल करोगे, या फिर आप किसी एडिक्शन में पड़ सकते हो। हो सकता है अभी आप जिस बात को थोड़ी थोड़ी करके समझ रहे हो, उस चीज़ की, प्यार की एडिक्शन हो सकता है। हो सकता है आप किसी की तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाओ, या कोई आपकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाए कि आप लोगों को एक अट्रैक्शन, एक एडिक्शन की तरह एक दूसरे के साथ जुड़ जाओ। या फिर अगर कोई शराब पीते हो तो शराब की लत ज़्यादा लग जाएगी, या कोई सिगरेट पीता है, कोई जुआ वगैरह खेलते हैं, या फिर कोई किसी को सेक्स की एडिक्शन है तो उस एडिक्शन में भी बढ़ोतरी आएगी, या फिर किसी एक इंसान दूसरे इंसान को कंट्रोल कर सकता है। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हो तो कोई आपको कंट्रोल कर सकता है, या फिर आप किसी को कंट्रोल कर सकते हो। आपकी फ्यूचर में जो नेचर होगी वो एक एडिक्टेड नेचर की तरह आप बिहेव करोगे। आप किसी चीज़ की तरफ इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो जाओगे कि आप उस चीज़ को छोड़ नहीं पाओगे। आपको लगेगा इस चीज़ के बगैर मुझे रहना नहीं है, इसके बगैर मेरा दिन नहीं चलेगा, ऐसा आप सोच सकते हो, या फिर आपकी प्रति किसी की सोच ऐसा हो सकता है। किसी चीज़ की प्रति आपकी एडिक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप उसी को लेके अपनी चिंता, पूरा दिन अपना चिंता उसी में लगा रहेगा, उस चीज़ पर लगा रहेगा। अगर आप शराब पीते हो तो शराब ज़्यादा पियोगे, ऐसा हो सकता है। ये सारे हम जो बोलते हैं ये सारा ही प्रेडिक्शन है, लेकिन अगर आप इसी तरह इसको देखते हो तो फ्यूचर में मुझे लगता है किसी के लिए बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की तरफ आप एडिक्टेड हो जाओगे, या कंट्रोलिंग हो जाओगे, या कोई आपको कंट्रोल करना चाहेगा। फिर देखते हैं यूनिवर्स जी की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए। वृश्चिक राशि के जो लोग ये रीडिंग देख रहा है उनके लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए। वृश्चिक राशि के जो लोग ये रीडिंग देख रहा है आपकी तरफ से उनके लिए क्या गाइडेंस है। आपको ये बोला जा रहा है, कार्ड आया है थ्री ऑफ कप्स का कार्ड, एट ऑफ कॉइंस का कार्ड, द फूल का कार्ड। आपको ये बोला जा रहा है कि आप खुश रहिए, आप किसी चीज़ की इंतज़ार कर रहे हो,
मुझे लग रहा है बहुत दिनों से आपको किसी चीज़ की इंतज़ार है, तो आपको और थोड़ा रुकना पड़ सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत दिनों से किसी चीज़ की इंतज़ार कर रहे थे, रुके हुए थे, तो आपको वो चीज़ मिलेगा जिसके बारे में आप सोच रहे थे, परेशान थे, आपको वो चीज़ मिलेगा और आपको एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में। आप नई शुरुआत करोगे और आप खुश रहोगे। आपसे ये बोला जा रहा है कि आप जैसे हो वैसे ही रहो, खुश रहो, आप परेशान मत हो, परेशानी से खुद को बाहर निकालो और ज़िंदगी में नई शुरुआत कीजिए। खुश रहिए दोस्तों के साथ, पार्टी शार्टी कीजिए, काम के जहाँ काम करते हो वहाँ आप पार्टी कीजिए, घूमिए फिरिए, दोस्तों के साथ मिलिए, किसी के साथ टीम वर्क करते हो, अगर आप कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करते हो तो करिए, मतलब खुश रहिए। आप परेशान मत रहो, चिंतित मत रहो, आप जिस बात से परेशान थे उस बात की परेशानी आपको नहीं रहेगी। आपको खुश रहना पड़ेगा, हर चीज़ में पॉजिटिविटी को देखना पड़ेगा और आप खुश रहोगे भी, क्योंकि अगर आप खुद पर काम करते हो, खुद मेहनत करते हो, जिस मेहनत की परिणाम आपको मिलना चाहिए था वैसा ही परिणाम आपको मिलेगा। लेकिन आपको खुश रहना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा, हैप्पी रहना पड़ेगा। और किसी काम की अगर आप शुरुआत करना चाहते हो तो कर सकते हो, आप एक नई शुरुआत भी कर सकते हो किसी भी काम की, पॉजिटिव माइंड से कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर